यार सिंचन, चिंटू के मामा को भाई बता करके आना चाहिए था। अगर सिंचन वो पहले से भाई हमको बता देते ना कि भाई वो हमारे घर पर आ रहे हैं, तो सिंचन हम भाई घूमने जाते ही नहीं। अभी अभी गए मैं और सिंचन घूमने के लिए गए हुए थे, और भाई तुरंत भाई सिंचन की भाभी का कॉल आता है, वो बता रही है भाई उनके ना भाई घर पर आए हैं। इसलिए गए अभी अपन दोनों भाई घर पर जा रहे हैं, और लेट्स सी चेक करते हैं आखिरकार भाई वो अपने घर पर क्यों हैं। वो भी गए आज, वो ना यार पहली बार आए हैं। वो वीट लगता है सिंचन, ये तो भाई उनकी गाड़ी है। अरे वाह, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बताओ ना फ्रेंगल बैग कौन सी कार है। ये तो सिंचन एक सुपर कार है, लेकिन इसका नाम तो भाई मुझे नहीं पता, उन्हीं से पूछते हैं चल के। अरे फ्रेंगल भाई, एक बार उनसे ना गाड़ी की चाबी भी मांगना, हम दोनों भाई यार थोड़ी दूर घूम कर आएंगे। नहीं नहीं सिंचन, ऐसे चाबी मांगनी ठीक नहीं रहेगी भाई। हेलो भाई, किधर हो चिंटू के मामा? देख कहीं तो नहीं दे रहे ये। अरे फ्रैंकलिन आओ। और भाई कहां चले गए थे? अरे पापा जी, मुझे क्यों गिरा दिया? अच्छा खासा खड़ा था, धक्का देके गिरा दिया। अरे फ्रैंकलिन, मैं ये कह रहा था मेरा घूमने का मन कर रहा था, इसलिए आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, हमें तो बहुत अच्छा लगा तुम आए। अरे बहन, तू तो ऐसे ही बोलती है, मैं तो फ्रैंकलिन से पूछ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे को क्यों बुरा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, डेली आया करो। और भाई एक बार आपकी गाड़ी चला के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल देख लो। आजा सिंचन, तेरी ख्वाहिश भी भाई मैं पूरी कर ही देता हूँ। भाई वैसे सच में मेरा भी काफी मन कर रहा है इसको चलाने का, लेकिन गाइस इससे हम ना ज्यादा दूर डाल नहीं सकते। और गाइस अगर गलती से ये ठोक गई ना तो भाई इसकी भरपाई तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। भाई ये काफी महंगी है, और एक स्क्रैच गाइस बहुत ज्यादा महंगा खर्चा दे देगा। अरे वाह, अंदर से कितनी लग्जरी है फ्रेंगल पे, थोड़ा आराम से चलाना, ठुक गई ना भाई साहब, तुम तो पैसे भी नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास तो बाइक खरीदने के भी पैसे नहीं है। ओ भाई साहब, क्या स्पीड है सिंचन, एक सेकंड में देखा था भी कितनी तेज भागी थी, मजा ही आ गया। चलो गाइस ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं रहेगा। अभी क्या हुआ था? ओ ओ ओ ओ भाई, ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं फ्रेंगल भाई? सिंचन साइड में स्क्रैच आ गए भाई। अरे अरे भाई, ये तो काफी डिफिकल्ट है भाई चलानी। ये लो ठुक गई गाइस, ठुक गई। अरे बाप रे, आगे का बोनट भी गया सिंचन। चल चल एक काम करते हैं, चुपचाप से जाकर के ना भाई घर के बाहर इसको खड़ी कर देते हैं, और गाइस हम बोलेंगे भाई हमें नहीं पता इस गाड़ी के बारे में कुछ भी। अरे लेकिन तुमने ठुकी क्यों? मुझे नहीं पता सिंचन, कैसे कैसे ठुक गई। पहले सिंचन एक जगह से ठुकी, मेरा ध्यान पूरा वहीं चले गया, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सिंचन ठुकती चली गई। ये तो और गाइस सच में बहुत डिफिकल्ट है भाई ये चलानी, तो पता नहीं वो बंदा कैसे ड्राइव करता है यार। अरे कौन बंदा ड्राइव करता है फ्रेंकल भैया? अरे सिंचन, चिंटू के मामा की बात कर रहा हूँ मैं। चल सिंचन अब फटाफट से चलते हैं अंदर, देखना गाइस क्या हाल कर दी भाई मैंने इस गाड़ी की, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी गाइस मेरे घर के आ गई है जब पार्क थी, लेकिन अभी देखो कितनी बुरी हालत हो गई है भाई इसकी। चल सिंचन चल नीचे चलते हैं, और जाकर के बोलेंगे कि सिंचन उस गाड़ी पे ना ऑलरेडी भाई स्क्रैच लग रहे हैं। अरे हाँ ये ठीक रहेगा, हम जाकर के बोल देते हैं कि भाई अभी तक ना हमने चलाई नहीं है क्योंकि यार उस पे स्क्रैच लग रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तुम्हारी गाड़ी पे छोटे मोटे स्क्रैच लग रहे हैं, इनको कभी ठीक भी करा लिया करो। क्या कहा, स्क्रैच लग रहे हैं? अरे बाबरे, मेरी गाड़ी पर कहाँ से स्क्रैच लग गए, बहुत महंगी खरीदी है मैंने, देखो तो सही जाके आखिरकार मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर स्क्रैच कहाँ से आ गए। आओ फ्रैंकलिन तुम भी साथ आओ। अरे आ रहे मामा जी, आ रहे फटाफट से। अरे बाबरे, मुझे लगता है ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने चलाई है, और चलाने के बाद ठोक दिया, उसके बाद बोल रहा है पहले स्क्रैच है, ये पहले से स्क्रैच है, गिर गया। अरे भाई क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ये चलाई नहीं है। नहीं तूने चलाई है बेवकूफ, जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों चलाई ये गाड़ी है? तेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी है, गाड़ी भी नहीं है ये, सिर्फ बाइक है, और मेरे पास एक सुपर कार है, सुपर कार, तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी को चलाने की, आया बड़ा चलाने के लिए ठोक कर दी। अरे यार सिंचन ये किस तरीके से बात कर रहा है? अरे भाई साहब आपको ना फ्रेंगल भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। करूंगा, ठोकी कैसे, मैं तो तुझसे पैसे भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर तू अपनी बाइक बेचेगा तो भी भरपाई नहीं कर पाएगा मेरी गाड़ी के नुकसान की। आइंदा से मेरी गाड़ी टच मत करियो, समझ रहे? और आइंदा से वैसे भी मैं तुम्हारे घर आऊंगा भी नहीं, जा रहा हूँ मैं, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया, औकात नहीं है तो चलाई क्यों गाड़ी। अरे भाई साहब बहुत हो गया, ज्यादा मत बोलो। अरे फ्रेंगल भाई इनको दिखाना एक दिन सुपर कार खरीद के। चलो फटाफट से निकलता हूँ, चलो वैसे भी ज्यादा खर्चा हुआ नहीं है, मजा आ गया, अपने अंदर जितना भी गुस्सा था सारा का सारा निकाल दिया मैंने तो। यार सिंचन ये बंदा सच में बहुत ज्यादा बोल गया, इसने अपनी लिमिट पार कर दी। अब सिंचन इसको मैं छोड़ने नहीं वाला, फटाफट से लैस्टर को कॉल मिलाता हूँ, और गाइस लैस्टर से सीधे बोलता हूँ कि भाई तू ना 100 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर अभी। गाइस इसको मैं दिखाता हूँ भाई क्या बोल के गया, मेरी औकात नहीं है, अभी दिखाता हूँ गाइस इसको, फटाफट से उठा ले। अरे फ्रैंकलिन बेटी क्या ले, अबे लैस्टर एक काम कर जल्दी से भाई, 100 करोड़ मेरे बैंक में ट्रांसफर कर। क्या कह 100 करोड़? अबे पागल हो गया, मेरे पास कहां से आए 100 करोड़, 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं तेरे को। अबे क्या हो गया भाई, ये लोग सिंचन मुझसे ऐसे की बात कर रहे हैं? अरे छी 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 फ्रैंकलिन भाई, लैस्टर भैया ने पैसे देने से मना कर दिया तुमको, जब लैस्टर भैया को जरूरत थी जब तक तुमने दे दिए थे। हाँ सिंचन मुझे याद है, पूरे के पूरे भाई मैंने 10 करोड़ दिए थे लैस्टर को, सॉरी 10 लाख दिए थे, लेकिन गाइस अभी मेरे को काम पड़ा तो लैस्टर ने मना कर दिया, और आपको पता है गाइस लैस्टर के पास काफी सारे पैसे, उसके बावजूद मना कर दिया भाई उसने। अरे मेरी बाइक में तो पंचर है, वो भी एक टायर में नहीं दोनों टायरों में पंचर है, मुझे लगता है लिटिल सिगम ने कल ये मेरी बाइक किलो पर चलाई है, किलो पर। अभी मैं इसको लेके ऑफिस जा रहा था, अब क्या करूं, इसे ऑफिस लेके जाऊं या फिर घर पे खड़ी कर दूं? एक काम कर,
करता हूँ, घर पे ही खड़ी कर देता हूँ और चल के थोड़ा लिटिल सिंघम को पेलते हैं ताकि सारा गुस्सा उस पे उतारूं। चलो फटाफट से चलते हैं। अरे यार आगे का तो पूरा टायर ही गायब हो गया। अरे ये छोड़ूंगा नहीं इसको, ये कम खत ने जिंदगी जीने हराम कर रखा है। आगे का तो पूरा टायर ही खत्म हो गया, अब मतलब सीधे सीधे 10-20 हजार का झटका आएगा। अरे पीछे का टायर भी खत्म, अब क्या करूं, रिम पे चलाऊं क्या बाइक को? अरे पापा जी बाइक का क्या लुक लग रही है भाई, क्या मॉडिफाई करा के लाए हो क्या पापा जी? मॉडिफाई तो अभी तेरी साइकिल करता हूँ, ये ले कर दी ना तेरी साइकिल मॉडिफाई। अरे पापा जी क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा कल कहाँ चलाई थी तूने बाइक? पापा जी किलो पर चलाई थी और पत्थरों पे, लगता है पंचर हो गई होगी। अच्छा इसका मतलब तूने कबूल लिया के ये बाइक तूने पंचर करी है? जी पापा जी। ये ले फिर। जी पापा जी क्या बोल रहे? जी पापा जी है, ये ले बहुत अच्छा काम करा है तूने। जो जी पापा जी बोल रहे अब तेरे को तोड़ता हूँ पापा जी, मान लो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है यार, मैं भी तो पापा जी इंसान ही हूँ, मेरे को इतना मत मारा करो। अरे तेरे को इतना मारता हूँ, ए गाड़ी वाला, ओए गाड़ी वाले चले जा वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये ले। अरे देखो देखो अपने बेटे को कैसे मार रहा है पागल इंसान। पागल अभी रुक, डंडा लेके आता हूँ तुझे ही बताता हूँ। अरे मुझे मम्मी के पास जाना है, मेरी मम्मी आखिरकार कहाँ है? पता नहीं कहाँ ढूंढूं मम्मी को, और तो और बहुत तेज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, कोई पानी पिलाएगा क्या? अरे अरे ये कहाँ जा रहा है, ये अनकंट्रोल हो गया ट्रक मुझसे, रुक गया। अरे फिर चल गया, रोको इसे कोई, रुक गया। अरे बाबरे लगता है ये मुझे चलाना नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ इसमें से उतर जाता हूँ और उसके बाद पैदल चल के मम्मी को ढूंढूंगा, क्योंकि इसमें बैठ करके तो मैंने काफी देर ढूंढ लिया इधर से उधर, मुझे मम्मी नहीं मिल रही। इधर देखता हूँ कहीं मम्मी मिलेंगी क्या, वो मुझे पानी पिलाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मुझे मेरी हेल्प करो, कोई है? अरे यार गैस ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? वैसे भी गैस मेरा पूरा मूड ऑफ हो रखा और साथ ही साथ में गैस लाइट और चलेगी, क्या करूँ गैस? मैं तो सिर्फ और सिर्फ भाई यही सोच रहा था बैठ करके, आखिरकार पैसे कहाँ से कमाऊँ भाई। ओ वेट ये क्या चीज है भाई, यहाँ पर ये बड़ा सा ट्रक है जो मेरी बाइक के ऊपर चढ़ रखा है, और वेट ये कौन है जो यहाँ पर सो रहा है? ओ हेलो, ओ ये पांडा, पांडा नहीं है गैस, ये तो पांडा का बच्चा है भाई साहब। अरे मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कोई पानी पिलाएगा क्या? मेरी मम्मी पिलाती थी लेकिन मम्मी कहाँ है, नहीं दिख रही। अरे भाई साहब सिंचन ये कितना क्यूट है। अरे हाँ फ्रिंगल भाई ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, और इसकी हाइट तो तुमसे मैच करती है, मेरे से तो ये काफी बड़ा है। एक काम करते हैं सिंचन इसको पानी पिलाते हैं, लगता है सिंचन इसको काफी तेज प्यास लग रही है। एक काम कर भाई पांडा के बच्चे, आ तू हमारे पीछे पीछे आ, हम तेरे को दिखाते हैं पानी कहाँ है और तेरे को पानी पिलाते हैं। क्या सच में? चलो मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पीना है। अरे हाँ भाई साहब पिला देंगे, पानी पिला देंगे, आजा सिंचन जल्दी इसको लेकर के आ। चलो गैस वही तो मिला कम से कम जिसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि गैस मेरा ना लोगों की हेल्प करने का काफी ज्यादा मन करता है। चलो भाई आज इसकी हेल्प ही कर देते हैं, इतना सारा पानी है, देखते हैं गैस ये कितना पानी पी पाता है स्विमिंग पूल का। लेकिन स्विमिंग पूल का पानी पिलाना ठीक रहेगा क्या? एक काम करते हैं गैस चौप के स्विमिंग पूल का पिला देते हैं। एक काम कर पांडा के बच्चे ये पानी पी ले। अरे वाह वाह ये कितना साफ और कितना स्वादिष्ट लग रहा है, इसको खत्म कर दूं क्या? बिल्कुल भाई बिल्कुल, अपना ही स्विमिंग पूल समझ, सारा पानी पी ले। अभी पीता हूँ, पीते ही मम्मी आ जाएंगी, मुझे पता है, पी लिया। अरे वाह मम्मी तुम आ गई। अरे बेटे तुम कहाँ चले गया था, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और मैंने तुझे बोला था ना कभी भी खो जाए तो चुपचाप से पानी पी लियो, मैं तेरे सामने आ जाऊंगी। भाई ये हो क्या रहा है सिंचन, यहाँ पर इसकी मम्मी कैसे आ गई? अरे हाँ फ्रेंगिल भाई ये अचानक से आ कैसे गई? बेटा आखिरकार तुझे पानी इन लोगों ने पिलाया क्या? जी मम्मी जी इन लोगों ने पानी पिलाया है, एक काम करता हूँ तो फटाफट से इन लोगों को कुछ दे देते हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, तुमने मुझे पानी पिलाया, अब तुम मेरी मम्मी से कुछ भी मांगो वो तुमको जरूर देंगी। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है भाई मैं बताता हूँ आखिरकार मेरे को क्या चाहिए। अरे लगता है फ्रेंगिल भाई तुम अमीर होने वाले हो। वही तो सिंचन, फिर उसके बाद भाई चिंटू के मामा को दिखाएंगे आखिरकार वो भूल के कैसे गए। अरे भाई उन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं सिंचन, वो तो गायब हो गए। अरे हाँ पांडा का बच्चा भी गायब हो गया, फ्रेंगिल भाई दोनों गायब हो गए, अब क्या करे सिंचन? अरे ढूंढो इसको। अरे कहाँ ढूंढे सिंचन, अब तक तो हमारे सामने थे और एक ही सेकंड में गायब हो गए। चलो गाइस बाहर देखता हूँ। ओ भाई साहब बाहर देखना गाइस, डायमंड गोल्ड, भाई साहब डायमंड गोल्ड की सुपर कार है भाई, और ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है, देखना गाइस भाई लुक देखो भाई इन गाड़ियों की, सच में ये तो चमक रही है यार। अब गाइस मैं छोड़ने नहीं वाला भाई चिंटू के मामा को, गाइस उसने मेरे को काफी ज्यादा ताना मारा, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ गाइस ये अपनी डायमंड की गाड़ी लेकर के, और भाई अब मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई भाई मेरे को इतना कुछ बोलने की। अभी जा करके दिखाता हूँ कि भाई तेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी सुपर कार है, और मेरे पास एक काफी महंगी सुपर कार है जो भाई प्रॉपर भाई डायमंड में कन्वर्ट हो रखी है। इसका मतलब गाइस मैं तो उससे ज्यादा अमीर हुआ ना, और उसके पास एक है और मेरे पास गाइस 4-5 सुपर कार है, अगर मैंने उनमें से एक भी बेच दी ना सीधे सीधे मेरे अकाउंट में आएंगे भाई 10 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ अमाउंट गाइस आप लोगों को तो पता ही है भाई कितना सारा आता है। तो लेट्स गो गाइस निकलते हैं फटाफट से। और हाँ गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करोगे? फ्रेंकली
मैं सिंचन आपके भाई। तो यार जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हां गाइस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस प्यारा वाला बाय।